तो गाइज आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। रीज़न ये है कि दो जगह मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ कि मेरे को आईफोन 12 लेना है, मुझे दे दो। नहीं दे रहे, स्टॉक में नहीं है, बोलते स्टॉक में नहीं है। तो गाइज आज मैंने ऑलरेडी एक जगह बात करके रखी है, उनसे पूछा है मैंने। मैंने कहा यार मुझे आईफोन 12 चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो आईफोन एक्सेस था वो ऑलरेडी मैंने सेल कर दिया है फेसबुक के थ्रू। तो मैं एक सैमसंग का सा फ़ोन चला रहा हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ उससे, 2 दिन में ही बोर हो गया। तो मुझे आईफोन 12 चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट किया है कहीं से, पीबी टेक है यहाँ पे, उनसे कॉन्टैक्ट किया है। वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास 12 है, ओनली 12, प्रो मैक्स नहीं, 12। तो कह रहे कि आके कलेक्ट कर लो। मैंने ऑनलाइन कर दिया है बुक वो। तो गाइज़ पहले नहा लूँ, पेट पूजा, फिर काम दूजा, ठीक है? तो गाइज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ पे पीबी टेक कैसा स्टोर है, फ़ोन कैसे लेते हैं वहाँ पे, परचेज़ कैसे करते हैं, मैं दिखाता हूँ। एंड तक जरूर देखना गाइस इस वीडियो को। एक्साइटमेंट ही बहुत है फोन लेने की, रुका नहीं जा रहा। आधा पक्का ही खाया, आधा कच्चा ही खा लिया, रुका नहीं जा रहा फोन लेना यार, फटाफट कहीं वो सारे ना बिक जाए। आज हम आईफोन 12 बाय करने आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सारा कुछ अवेलेबल नहीं है इन पे, लेट्स सी बर्थडे। ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये वाला लूंगा भाई। ज़्यादा देर यार वीडियो नहीं बना सकता, कह रहे कैमरा अलाउड नहीं है। आईफोन 12 और इसके साथ कुछ आता तो है नहीं, तो एक चार्जर भी बाय किया है वो अलग, और ये इन्होंने वायरलेस चार्जर, वायरलेस पावर बैंक मेरे को फ्री दिया है। तो मैंने पुराना फ़ोन बेच दिया था, उसकी डील अच्छी मिल गई थी, तो मैंने कहा आज 12 बाय कर लें। तो महंगा पड़ा काफ़ी, और ये देखो पीबी टेक यहाँ से मैंने ख़रीदा है। ब्लू कलर लिया मैंने, मैंने कहा समथिंग डिफरेंट, लास्ट टाइम गोल्ड लिया था, इस टाइम मैंने ब्लू लिया है। मैंने कहा नया कलर आया तो वो वाला ट्राई करते हैं ना लेके। गाइस तो अनबॉक्सिंग इसकी घर पे जाके करेंगे हम। इसके अंदर है तो कुछ नहीं अनबॉक्सिंग करने वाला, बस फोन ही है और एक सी टाइप केबल है। तो मैं लाया था पीबी टेक से, जो आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था, पीबी टेक से लाया था। अभी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी मैंने, इतनी देर रुका हूँ मैं इसके लिए कि मैंने कहा चलो आपके साथ ये सारी चीज़ शेयर करूँगा। और ये चीज़ मैं लाऊँ $2 शॉप से, ये $2 का है कवर इसका। $2 शॉप जगह जगह होती है, वहाँ पर ना सारा कुछ सस्ता मिलता है ना, $2 में, ऐसे $2, $3, ये $8 में मिला मुझे। इस इंस्टेंटली चढ़ाना जरूरी है ना फ़ोन के ऊपर, ताकि स्क्रैच स्क्रूच ना हो, हमसे गिरता भी बहुत है ना फ़ोन, इसीलिए हम देर किस बात की। चलो फिर शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये फ़ोन है, ये तो मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले ये चीज़ खोल के दिखाता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, फ्री में मिली है फ़ोन के साथ, ब्लैक फ्राइडे सेल थी तो अच्छा मौका था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी भी चीज़ मिलेगी। $100 का ये, 10,000 mAh का है, पावर बैंक मिला है और वायरलेसली फ़ोन चार्ज करता है। तो पहले इसको देखते हैं इसमें क्या चक्कर है। कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए तो गाइज ऐसा है, ये काफी
स्लीक सी लुक है इसकी, काफी स्लिपरी टाइप है, देखो बहुत बढ़िया है। और जैक्स भी दिए हुए ना यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए। एक्सेसरी में इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ये है, सॉरी ये टाइप सी केबल है इसको चार्ज करने के लिए, और कुछ कागजी कार्रवाई है गाइज। ये था इस, ये हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं इधर, इसको सारा साइड में रख देते हैं, तो फोन हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि इसमें तो कुछ नहीं है, इसको तो बॉक्स को ऐसा लग रहा है जैसे कोविड हो गया ना पतला हो गया, तो ये देख लेते हैं, ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने अलग से बाय किया है, ये देख लो, इसमें टाइप सी लगता है, मैंने अलग से बाय किया है। जिनके पास तो मैकबुक है उन्हें तो बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके उसमें तो टाइप सी लग जाता है, पर ये हमारे पास नहीं है मैकबुक, तो मेरे को अलग से बाय करना पड़ा ये। तो इसको भी खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चक्कर है इसका भी। ओह ये तो काफ़ी बड़ा है। तो गाइज ये फास्ट चार्जर है, स्पेशल से 20 वॉट्स का ये फास्ट चार्जर एडाप्टर है। ये देखो इसमें यहाँ पे जैसे टाइप सी लगेगा, ये फ़ोन के अंदर ही है वो जो जैक टाइप सी लगेगा इसमें। ये है वैसे एप्पल वालों का ही है, $30 का अलग से इन्होंने ना फ़ोन में इंक्लूडेड नहीं है ये। और इसी के साथ वही थोड़ी सी कागजी कार्रवाई थोड़ी सी, ये इसके अंदर इंक्लूड है और कुछ नहीं है। तो देर ना करते हुए अब करते हैं शुरू फ़ोन की अनबॉक्सिंग। इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ, आज बहुत शॉपिंग करी मैंने यार, बहुत खर्चा कर दिया आज मैंने ना। तो गाइस ये रहा फोन, ब्लू कलर का लिया मैंने। तो गाइज ये देखो फिर धमाल। तो गाइज ये है ब्लू कलर, काफी बढ़िया, ये देखो काफी शाइनी ग्लास लुक में है। वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मैं इसके ऊपर से जब ये ऐसे करके उतारो, बड़ा मजा आता है, फील ही अलग आती है। तो गाइज ये देखो, पहले फोन देख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ टाइप सी केबल इसमें क्या है बॉक्स में। तो गाइज ये पावर ऑन, पावर ऑन के बाद ऊपर कुछ नहीं है, साइड में वही वॉल्यूम अप डाउन म्यूट बटन, सिम ट्रे साइड में दी हुई है, और वही नीचे स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो गाइज इसको मैं ऑन करता हूँ, ये हो गया हमारा ऑन। इसको हम अभी 2 मिनट में देखते हैं, पहले इसमें दिखाता हूँ मैं बॉक्स में और क्या है। तो गाइस बॉक्स में ये है जो कि वही जो इसमें लगेगी टाइप सी, और ये फ़ोन में लगेगी, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और यही आईफोन की कुछ कागजी कार्रवाई, स्टिकर मेरे पे पहले वाले फ़ोन के ही पड़े हैं जो मैं यूज़ नहीं करता, ये कागज कुछ, और ये सिम निकालने के लिए। तो गाइज ये ही है इस बॉक्स में, और इतना कुछ खास नहीं है, बस मेन तो फोन ही है। तो इसको मैं दोबारा से अंदर रख देता हूँ। तो गाइज ये इस फोन को भी साइड में रखते हैं। अभी एक आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये $2 का कवर कैसा है। वैसे इस पे कुछ खास इतना है नहीं, पर ये भी देख लेते हैं इसका भी क्या चक्कर है ना। सिंपल ही है कवर, मैंने इनविजिबल वाला इसलिए लिया है क्योंकि ना मैंने कहा यार फोन से पीछे की लुक भी आनी चाहिए, अगर मैं ब्लैक ले लेता तो फिर फोन की साइड लुक नहीं पता चलती और फोन का कलर नहीं पता चलता, इसीलिए मैंने ना ये लिया है इनविजिबल वाला कवर लिया। मेरे को इनविजिबल ही अच्छा लगता है, पहले मेरे पे एक्सेस था तो मैंने
उसका भी इनविजिबल ही लिया था। पर गाइज ये $2 की डील मुझे बहुत अच्छी मिल गई, देखना $2 में तो इंडिया में भी नहीं मिलता ये। तो गाइज ये इसमें ऐसे फिट, दिखाता हूँ गाइज अभी यहाँ पे। अगर आप स्क्रीन गार्ड बाहर से लगवाने जाओगे ना तो आपसे बहुत चार्ज कर लेगा ना वो नियरली अबाउट, अगर अगर मैं ये स्क्रीन गार्ड अगर मैं जहाँ से मैंने फ़ोन लिया वहाँ से लेता तो मुझे $25 का स्क्रीन गार्ड पड़ता है, ये मुझे $8 का पड़ा है। देखो रेट भी लिखा हुआ है, ये $8 का पड़ा है मुझे स्क्रीन गार्ड। अगर अगर मैं यही अली एक्सप्रेस से मंगवाता तो आता तो एक महीने में, पर वहाँ पे $8 में 10 आ जाते। पर अभी मुझे ज़रूरी था तो मुझे $8 में भी खरीदना पड़ा, ये $2 शॉप से मैंने खरीदा है। तो गाइस इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या निकलता है। अपने आप ही लगाना पड़ता है गाइस यहाँ पे स्क्रीन गार्ड, बाहर से लगवाने जाओगे तो बहुत पैसे लगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो गाइस ज़्यादा देर पीपीटेक में वीडियो नहीं बना पाया, कैमरा निकालते ही वो बंदा बोलने लग गया कि कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक, ये देखो ये देखो, मैंने खुद ही स्क्रीन गार्ड लगाया, बढ़िया लुक आ रही है देखो फोन की। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट खरीद सकते हैं गाइज यहाँ पे, 2 डिग्री वगैरह से वोडाफोन वगैरह से फ़ोन ले सकते हैं। कैश लेना तो भी बीटेक नॉइल लिमिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूले मुझे। थैंक यू गाइज़।